हेलो एवरीवन, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने शिक्षण योजना लेके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर चार कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में दिनांक, दूसरे में कक्षा, तीसरे में विषय और चौथे कॉलम में समय। दिनांक में पढ़ाए जाने वाला दिन लिखेंगे, कक्षा में दो, विषय कलर, समय में 40 मिनट। अब सबसे पहली हेडिंग पे आते हैं, लर्निंग आउटकम। इसमें रहेगा बच्चे सही गलत की पहचान करना सीख लेंगे, बच्चे पालतू और जंगली जानवरों के बारे में जान सकेंगे, बच्चे तर्क शक्ति विकसित कर पाएंगे। दूसरा हेडिंग रहेगा प्रकरण। प्रकरण में लिखेंगे पूंछ हिलाने वाला भेड़िया। अब इसकी तीसरी हेडिंग जो कि रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें लिखेंगे पाठ पुस्तक, कार्य पुस्तिका, भेड़िए का चित्र, शब्द कार्ड, वीडियो आदि। अब आते हैं चौथी हेडिंग पे, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। इसके अंदर हम चार कॉलम बना लेंगे, क्रम, चरण, समय और चौथा आकलन का तरीका। क्रम में क, चरण में शिक्षण के शुरुआत में, समय में 10 मिनट, आकलन का तरीका में सुनकर। शिक्षण के शुरुआत में लिखेंगे सभी बच्चों को एक गोले में बिठाकर शिक्षिका सर्वप्रथम एक छोटी सी कहानी सुनाएगी। एक जंगल में एक चालाक भेड़िया जानबूझकर एक गड्ढे में गिर जाता है। भेड़िया जब अपने पास आते हुए एक मेमने को देखता है तो उसे बोलता है कि मैं एक कुत्ता हूँ और इस गड्ढे में गिर गया हूँ, तो मुझे इस गड्ढे से निकाल दो। तो मेमना कहता है कि पर तुम्हारा मुंह तो भेड़िया की तरह ही है। तो फिर भेड़िया मेमने से कहता है कि अरे देखो, मैं कुत्ते की तरह पूंछ भी हिला सकता हूँ। अंत में मेमना यह कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो तो तुम भेड़िया ही, मैं तो चला यहाँ से घर। फिर क्रम में खा लिखेंगे, चरण में शिक्षण के मध्य में, समय में 15 मिनट और आकलन का तरीका में सुनकर। शिक्षण के मध्य में लिखेंगे बच्चों को चार चार के समूह में बांट देंगे और पूछ लाने वाला भेड़िया पाठ के चित्र का अवलोकन करके उस पर अपने अपने समूह का विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे। क्रम में गा लिखेंगे, चरण में शिक्षण के अंत में, समय में 10 मिनट और आकलन का तरीका में प्रश्नोत्तर प्रस्तुतिकरण। शिक्षण के अंत में लिखेंगे शिक्षिका बच्चों से अंत में निम्न प्रश्न करेगी। पहला प्रश्न, गड्ढे में कौन गिर गया था। दूसरा प्रश्न, भेड़िया अपने आप को कौन सा जानवर बता रहा था। तीसरा प्रश्न, भेड़िए के पास से कौन गुजरता है। फिर शिक्षिका बच्चों के प्रत्याशित उत्तर पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए फीडबैक देगी। अब फिफ्थ एडिंग पे आते हैं, प्रदत्कार, गृहकार या असाइनमेंट। इसमें लिखा जाएगा इस कहानी में आए जानवरों के नाम लिखिए। दूसरा, जंगल में पाए जाने वाले 5 जानवरों के नाम लिखो। तीसरा, 5 पालतू जानवरों के नाम लिखिए। अब आएगी सिक्स्थ हेडिंग। सिक्स्थ हेडिंग रहेगी शिक्षक की आगामी योजना। इसमें लिखा जाएगा पूंछ हिलाने वाला भेड़िया पाठ को उचित आरोह अवरोह से बिना अटके पढ़ने एवं चयनित गतिविधियों का कक्षा में कार्य रूप में वर्णित। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेसन प्लान, ये टीचिंग प्लान समाप्त। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।